बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। शशम जमात की उर्दू की बुक ओपन करें। पेज नंबर 1, फर्स्ट लेसन है हम्द। हम्द का मतलब बता दूं, हम्द का मीनिंग होता है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। बेटा रीडिंग मेरे साथ साथ आप लोगों ने कर ली है। सबसे पहले रीडिंग के ऊपर ये वर्ड्स दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है खुशनुमाई, निराली, हिकमत, चटकना, खुदकना, अतर, मेवे, नादिर, कवि, कादिर, महक, चहक। मैं रीडिंग करूँगी, आप लोगों ने साथ साथ मेरी रीडिंग करनी है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। खुशनुमाई का वर्ड जो है ये अंडरलाइन कर लें। खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। क्या खूब है रंग ढंग सबका। रंग ढंग का मतलब है तौर तरीका। छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। अशिया का मीनिंग होता है चीज़ें। हर चीज़ की है अदा निराली। निराली मीन अनोखी। हिकमत से नहीं कोई खाली। हिकमत का मतलब होता है दानाई या समझदारी। नन्ही कलियां चटक रही हैं। चटक मीन खिलना। छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। फुदक का मतलब होता है चलना, उछलना या कूदना। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं अतर में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली। डाली मीन शाख। दानों से भरी हुई है बाली। बाली बोलते हैं खोशा या सिट्टा। हर शय उसने बनाई नादिर। नादिर का मतलब होता है उम्दा, नायाब। बेशक खुदा है कवियों कादिर। कवियों कादिर जो है अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। कवि का मतलब है ताकतवर और कादिर का मतलब है हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। ये नज़म जो है इस्माइल मीठी ने लिखी है। डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कर लें। खुशनुमाई, रंग ढंग, अशिया, निराली, हिकमत, चटक, खुदक, महके, चहके, अजीब, अतर, डाली, बाली, नादिर, कवियों कादिर। ये रीडिंग आप लोगों ने याद करनी है। रीडिंग के साथ ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ये एज़ अ होमवर्क नोटबुक्स पे राइट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।